नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार और स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नैनुआ यानी कि गिलकी की खेती कैसे करना चाहिए, जो कि जून जुलाई का समय गिलकी की खेती करने के लिए उत्तम माना जाता है। यदि आप जून जुलाई में गिलकी खेती करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास बनाया गया है। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए गिलकी से संबंधित उन सभी समस्याओं और गिलकी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उस संबंध में सारी सारी जानकारी यह इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, आपको गिलकी कैसे लगानी है, गिलकी का बीज कहाँ से लेकर आना है, कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त करते हैं और इसको पेड़ को यानी कि इसकी जो बेल होती है उसको किस तरीके से किसी तार के सहारे या फिर किसी जाली के सहारे कैसे खड़ा करते हैं, उसके बारे में भी आपको पूरी इसकी डिटेल दे दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको जमीन की अच्छी तरीके से जुताई करनी है, वो भी 2 से 3 बार। फिर उसके बाद आपको उसमें 80 किलोग्राम नत्रजन, 60 केजी फास्फोरस, 60 केजी पोटास प्रति हेक्टर की दर से देना है। और उसके बाद आपको उसमें एक जुताई करने के बाद उसमें आपको बरे डालने हैं 2 से 3 मीटर की दूरी से। बरे डालने के बाद आपको उन बरों की साइड में यानी कि थोड़ा सा ऊपर आपको गिलकी के बीज लगाने हैं। एक साथ 2 से 3 बीज लगाएं और फिर उसके बाद आप उन दोनों बीजों की दूरी 20 से 24 सेंटीमीटर रखते हुए फिर से 2 से 3 बीज लगाएं। इस तरीके से आप उन बरों में गिलकी का बीज सही तरीके से लगाएं और उसके बाद उसमें आप पानी देना न भूलें। पानी देने के बाद आप उसमें देखेंगे कि 4 से 5 दिनों के बाद वह गिलकी के बीज पेड़ बनकर बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। फिर आप सुविधा अनुसार उन पेड़ों को गेड़ों के सहारे या किसी तार के सहारे उन पेड़ों को या बेल को उन तार पर डालने शुरू कर दें और उसमें ये ध्यान दें कि आप उसमें पानी समय समय पर जरूर देते रहें, जिससे कि पेड़ को कोई नुकसान ना पहुंचे। जैसे ही यह गिलकी का बेल 1 महीने का हो जाएगा उसके बाद उसमें फूल दिखना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही उसमें फूल दिखना शुरू हो जाए दोस्तों, तो आप किसी नजदीक के अच्छे दुकानदार से सलाह लेकर उसमें दवाई जरूर डाल दें, क्योंकि उसमें फूल आने के बाद उसमें रोग आना भी शुरू हो जाते हैं। यदि आप दवाई अच्छी मात्रा में डालते हैं तो वह फूल आपका रुक जाएगा और वह आपकी पैदावार को बढ़ा देगा। और उसमें कोई सा भी हाई पावर देना न भूलें, जिससे आपकी गिलकी अच्छी क्वालिटी और चमकदार निकलना शुरू हो जाएगी। यदि दोस्तों आपकी जमीन में गिलकी की अच्छी पैदावार हो रही है लेकिन गिलकी नहीं निकल रही है, तो आप उसमें कोई सा भी टॉनिक लाकर डाल दें, जिससे उसकी पैदावार 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। यदि आपकी 1 एकड़ जमीन में गिलकी की पैदावार सिर्फ 1 क्विंटल के करीब हो रही है, तो आप उसमें टॉनिक के बाद 3 से 4 क्विंटल गिलकी निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार आप गिलकी की पैदावार अच्छे से कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, और यदि और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते रहिए इसी तरह के वीडियो, मुझे दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।